अब नाम बता इसका, इस पौधे का, इस वाले का। क्या नाम? सैपलेरा। मैंने पहले भी लिए हैं दो, लेकिन मेरे दोनों मर गए हैं। निकाल देना दोनों को, चल। मेरे पैसे नहीं जुड़न देते तुम। ले ला, ले लिए दो पौधे, ये वाले। तेरा नाम क्या? विशू। रेगुलर क्यों नहीं आता? क्यों, क्या काम कर रहा है? और तू काम तो कुछ भी ना, फिर घर पे ही पड़ा रहा है। गलत बात है ये तो, जब तुम्हारा काम ही है तो ये करना चाहिए ना बेटा। आए कर रेगुलर, सब पूछते रहे मैं कहाँ है। चले एक श्यामा तुलसी और दे जा। रामा तो मेरे बहुत सारे हैं, श्यामा ठीक है, यहीं रख दे अंदर, रुक जा अभी, यहाँ रख दे चेयर पर, यहाँ रख दे, इन्हें भी रख दे, इन्हें भी रखिए, ले एक बार पकड़ के। मैं ला रही तेरे तुलसी के पैसे, ठीक है? ले बेटा, अब गमले लिया, थोड़े छोटे साइज में लिया ना, ये वाले ला देना मिट्टी के, ये वाले काय तो बिकते होंगे, वहीं से लिया तो लिया तू एक दिन लगा के चक्कर वहां पे। सुबह सुबह का समय है और खर्चा हो गया 120 रुपये का। ले पौधे वाले बिल्कुल सुबह सुबह ही आ जाते हैं, टाइम हुआ भी 9:45। बस मैं नहा धो के पूजा करी और नाश्ता बनाया, पायल तैयार है कॉलेज जाने के लिए, देखो हेलो करो पायल। और मेरे लिए चाय बन रही है, अभी चाय नहीं पिए, देखो येरी, आ जाइए आप भी पी लीजिए। और कंगी वंगी कुछ नहीं करी है, बस नहा के पूजा वूजा करके लग गई थी नाश्ता वास्ता बनाने, अभी ऐसे ही पड़ा है फैला हुआ सारे घर में। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर इन पौधों का जुगाड़ करते हैं, इन्हें कहाँ लगाना है जो लिए हैं आज भैया से। और पौधे वाला अगर गली में आ गया ना, तो एक या दो पौधा मैं ना लूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है ना, मुझे बाकी सारी चीज़ों से DIY तो मैं करती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे को शौक है पौधे खरीदने का या गार्डन क्रिएट करने का। तो मुझे अभी अपने ना जो मेरा रियल हॉबी है उसका पता चल रहा है, गार्डनिंग। दीदी देखो क्या लेके आई हूँ आपके लिए। ये क्या है? सरप्राइज है आपके लिए, देखो। सरप्राइज तो छुपा हुआ हुआ है, तो दिख रही बाल्टी है छोटी छोटी, ओपन है। कहाँ से लाई है ये? मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं, यहाँ से लेके आई थी। Okay. अब तो नहीं, ये जिम्मेदारी अपने हस्बैंड को भी दे दी मेरे लिए कबाड़ लाने की। इसमें देखो तुम्हें छेद भी करने पड़ेंगे, ऑलरेडी पहली छेद है इसमें। ओह वेरी गुड, रेनू तो इंग्लिश भी बोलती है ऑलरेडी। हाँ। ये पता है मैंने और उन्होंने मिलके दोनों ने साफ करी है रात को। ओहो ठीक है ना, अब मैं क्या करूँ इनका? कुछ इसमें डिजाइन बनाना। अच्छा तेरे को दिखाऊं? श्वेता है उनको दिखाना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। कल दिखाना फिर मुझे बना के। ठीक है ओके, कल दिखाती हूँ जी। देखो रेनू ये बाल्टी देके गई है, और मैं उसको बोलती नहीं हूँ कि तू मेरे लिए कुछ लेके आ, वो अपने आप लेके आई इनको। वो लेके आई कि दीदी आप इनके प्लांटर बना लो, क्योंकि इनमें ना वो सामान नहीं फिल कर सकती, इनमें नीचे होल हो रखे हैं। तो उसने सोचा कि होल हो रहे हैं तो इनके दीदी गमले बना लेगी, तो इसलिए वो लेके आई है। अभी तो मैंने ये रख रखी है ऐसे ही, देखती हूँ क्या करूँगी इनका। और अभी मैंने अपने लिए बनाई है सलाद, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। वैसे मैंने मूंग दाल बनाई है अपने लिए, लेकिन उसे भी खाने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। अभी मैंने बनाई है सलाद अपने लिए, देखो इसमें मैंने काटे हैं 2 खीरे, 1 टमाटर, 4 हरी मिर्च, और 2 चम्मच डाल लिया इसमें भुजिया नमकीन, और आधा डाला है नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला। अरे ये बहुत टेस्टी बनी होगी, देखती हूँ खा के। बहुत अच्छी बनी है ये। कई बार आपको रोटी खाने का मन नहीं करता, तो कुछ अच्छा सा खाने का मन करे तो इसमें इस तरह आप सारी सब्जियां काट के, प्याज मैंने नहीं डाली है, प्याज भी डाल सकते हैं आप। अरे बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स बन जाता है सलाद, भी हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो एक बार ट्राई करना ज़रूर। वैसे तो
मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी खाते हैं इस तरह बना के, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं इससे। अगर आप बच्चों को भुजिया डाल के देंगे ना, तो बच्चे क्या करेंगे, इसके साथ खीरा भी खा लेंगे, टमाटर भी खा लेंगे, ऐसे नहीं खाएंगे सलाद के रूप में, ऐसे खा लेंगे। तो हेल्दी और टेस्टी ट्विस्ट के साथ। धूप हो गया बहुत तेज, और मैं पौधे लगाने आई हूँ, लगा दूँ वरना तो इसमें थैलियों में सूख जाएंगे रखे रखे, पानी भी नहीं दिया जाता फिर। तो पहले इन्हें रिपोर्ट कर देती हूँ मैं दूसरे गमलों में। और इसमें मैंने ये एक पौधा लगाया था ना, तो ये चला नहीं, मर गया है, सूख गया। तो एक तो इसमें लगा दूँगी, एक दूसरे में लगाऊँगी, क्योंकि अभी छोटे पौधे हैं तो छोटे गमलों में चल जाएंगे। जो ये थैलियाँ निकलती है ना इनमें से, पौधों में से, इन थैलियों का यूज आप कोई भी बीज उगाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपने बीज बोना है कि भाई उससे पौधा बनाएंगे हम, तो इन थैलियों में लगा के रख दीजिए आप कहीं सेमी शेड में, तो वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं इनमें, क्योंकि इनमें पानी नहीं रुकता है, माली भी इन्हीं में पौधे तैयार इसीलिए करते हैं। तो फिर आपको डर नहीं रहता कि बीज गल जाएगा। और मैं पौधों के ऊपर थोड़ी सी काई सी आ रही थी, तो उसको उतार दूँगी अब। सभी मैंने छोटों में रिपोर्ट कर दिए हैं, जब कभी ये लगभग एक साल तो ये इन्हीं में चल जाएंगे, जब दोबारा ज़रूरत होगी मैं फिर रिपोर्ट कर दूंगी इनको। पानी देने के बाद एक हफ्ता इन्हें हम सेमी शेड में रखेंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। जब भी पौधे का गमला बदलें तो उसको छांव में ही रखना चाहिए लगभग एक हफ्ता। तो ये यहीं रख देती हूँ मैं पौधों के नीचे, इनको सीड के नीचे। पौधे लगा दिए मैंने, और अभी चलते हैं नीचे। प्रीति का फोन आया था, उनके यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाली आती है, गोल्डन मतलब गोल्ड की ज्वेलरी जो आर्टिफिशियल आती है ना, कंगन वगैरह, वो लेके आई हुई है कि देख लो। लेना तो मुझे नहीं है, लेकिन देख तो लूँगी और आपके लिए वीडियो भी बना दूँगी। तो अभी पहले चाबी ले लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको उनके घर जाके। और लाइट बंद कर रखी है मैंने यहाँ के, यहाँ अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा, रसोई में आ जाती हूँ यहाँ रोशनी है। तो अब आगे आप वहीं का वीडियो देखना, ठीक है। ये आई है एक हमारे यहाँ ज्वेलरी बेचने वाली प्रीति, प्रीति है ना जो आंटी को जानती है, उनकी सास को, तो वो आई है यहाँ पे, मुझे भी बुलाया हुआ है। सामने से प्रिया है, सुजाता है, सब हम सब बैठ के देख रहे हैं। दीपिका हाय कर रही है सबको, देखते हैं कौन कितनी कितनी लेता है। एक एक लाख की तो हम ले ही लेंगे सारे। दिखाओ कैसे ये, ये टॉप्स हैं, टॉप्स आंटी, इसमें टॉप्स पड़े हैं, इसमें टॉप्स पड़े हैं। तुमने कौन कौन से दिखाए आंटी को, हैं कौन कौन से दिखाए आंटी को, सुनी धागे ये खोल कर देख लिया आंटी ने, जो मैंने देखा था इसमें टॉप्स भी पड़ा है। तो आंटी को एक भी पसंद नहीं आया, एक और भी आया। अरे वो ही तो ये है जो बेच रही है, गोल्ड का सामान। कड़ों के डिजाइन दिखाइए एक बार, वीडियो में दिखा दो इसमें कड़े, प्रिया दिखाएगी, दिखा जोकर, इसमें भी देखो कड़ों के डिजाइन दिखा, ये व्हाइट वाला दिखा, कितना प्यारा लग रहा है ना। दोनों में ना एक में, कितने के हैं ये वाले कड़े, कौन से ये जो आप दिखा रहे हैं, ये वाले 200 रुपए 200 रुपीज का, ठीक है। ये वाले भी, ये वाले कितने के, 150, ठीक है। किसी को लेना है तो ले सकता है, मुझे ऑर्डर कर देना मैं भिजवा दूंगी। ये खीरे, अब ये सारे खोल के दिखा देंगे, कड़े दिखा देंगे। ये कितने के, ये 300 के, ठीक है।
ये बिल्कुल बारीक चूड़ियाँ हैं, 100 रुपए की, 150 तू घटा दे पैसे इनके। ये सुंदर तो लिखाड़ी ना, सोने से कम नहीं, खोजा तो कम नहीं, ठीक है। ओहो वेरी गुड, ये 250 का, ये 200 का, ठीक है। नहीं ये गले के सेट वगैरह हैं पहनने के, जो शादी वगैरह में पहनते हैं सब, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं आंटी मुझे भी, ये हाँ ये सुंदर लग रहे हैं, साइज छोटा है, ये कड़े बहुत सुंदर है, हाँ खुलने वाले, हाँ तब अच्छे हैं, खुलने वाले होते तो हाँ। सारी शॉपिंग करवा देंगे आज तो, ये भाई किडनैपिंग की प्लानिंग हो रही है आपकी तो, है कि आप बहुत सारा जेवर लेकर घूमते हो तो किडनैप करेंगे आपको अब हम सब मिलकर। इनके घर फोन कर दो कि हमने बंधक बना लिया इन्हें, वाकई में आंटी ये सुंदर कड़े हैं बहुत, थोड़ा बड़ा साइज ले, एक इंच बड़े लाओ तो एक जोड़ी मुझे भी दे दियो, ठीक है, बहुत ही प्यारे हैं, एक इंच मेरा तो 250 से ऊपर आएगा बड़ा, देखिए 1 इंच से कम चल।